सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्य में लगा हुआ है और कार्य करते वक्त में उसने देवता से संबंध नहीं रखा, छूट गया। जैसे छूट जाएगा उसमें कैंसर बढ़ सकता है, क्योंकि उसके सेल्स जो है वो मैलिग्नेंट हो गए ऑन देयर ओन। इंग्लैंड में तो हर एक आदमी है और पाश्चिमात्य देश हर एक आदमी ऑन देयर ओन है। 11 साल का बच्चा हो गया ऑन देयर ओन, बच्चा पैदा हुआ उसको दूसरे कमरे में माँ बाप पहले छोड़ देते, कमरे में कुत्ते बिल्ली सुलाते हैं, बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाते हैं। कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा प्यार करेंगे, बच्चों को कमती कर देंगे। अजीब तरह की हालत है वहाँ, वहाँ सब लोग ऑन देयर ओन। हम लोग भी सोचते हैं कि ऑन अवर ओन होना चाहिए, ये बहुत गलत कल्पना है। बच्चों के मामले में लोग सोचते हैं बच्चों खराब कर रहे हो, क्या इतना उनका दुलार। बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहिए, बच्चे को बहुत प्यार करना चाहिए। जो बच्चा माँ बाप का प्यार पाता है वो दुनिया में बहुत प्यारा होता है और उसको सब प्यार करते हैं। हाँ, उसको गंदी आते नहीं। तो एक साहब ऐसे थे, वो हमसे कहने लगे, साहब मेरा लड़का 12 साल का, मैं बड़ा फ्री आदमी हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या किया आपने? कहले उसको मैंने बियर की बोतल दे दी, कह दिया तेरे दोस्तों को बुला के ला, जो करना है कर। मैंने कहा वाह भाई, उनको धर्म तो सिखाना ही होता है, क्योंकि जो धर्म बचपन में सिखाया जाएगा उससे उसका लेफ्ट साइड ठीक रहेगा, सुसंस्कार होगी। इसमें फ्रॉइड साहब का कहना है कुछ मत सिखाओ, क्योंकि उन्होंने दूसरी साइड देखी नहीं, कुछ नहीं सिखाओ तो सिर्फ ईगो बढ़ जाए। सुसंस्कार बच्चों को देने चाहिए, बड़ों को बताना बेकार है। आज हमारे बच्चों को देखिए आप, इनके क्या संस्कार हैं। छोटे बच्चों के सुसंस्कार करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बच्चों को अपने घर में रख के उनके सुसंस्कृत करें। जो बच्चा बचपन में ठीक रहता है उसको रियलाइजेशन भी जल्दी होता है। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं रहते, वो आदमी ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे और बड़ा यशस्वी भी दिखे, लेकिन आप उसके घर में जाकर पूछिए तो या तो उसके बच्चे या उसकी बीवी बताएंगे कि बड़ा ही कड़क आदमी है, बड़ा अजीब तरह का दुष्टता है इसके अंदर। इसलिए बच्चों को बहुत प्यार देना चाहिए, जिससे उनका ईगो और सुपर ईगो बना रहे, ठीक से बना रहे, जिससे उनको बैलेंस रहे। ईगोइस्टिक कल्पना दूसरी चीज होती, जैसे मैंने कहा अहम भाव कि मैं ही ये करके दिखाऊंगा, मेरे ही हाथ से ये होगा। आपने विराट से अपने को अलग कर लिया। इसीलिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से कह रही थी कि भाई एक परमात्मा भी है, श्री कृष्ण है, उनके हाथ में दे दो ना थोड़ा सा काम, वो इसको कर लेंगे, देखो कैसे करता। ये बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए, या तो निठल्लू होंगे और या तो वो अहंकारी होंगे। बीच में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप निठल्लू हो जाइए। जो मनुष्य परमात्मा का होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है बाह्य में। जैसे आप हमें देखिए तो आप कहेंगे माता जी आप इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, हमको समझ में नहीं आता इधर क्या कर रहे हैं। अगर सूर्य को देखिए तो एक एक पत्ते में रंग बदलते रहता है। आप सूर्य से पूछो तो कहेगा भाई आपको तो मालूम नहीं, हम तो अकर्म में बैठे हैं, ये तो हमारे अंदर से जा रहा है, अपने आप हो रहा है, घटित हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे ज्यादा कार्यान्वित होता है सूर्य ही, एक उदाहरण लीजिए। यह सूर्य नाड़ी की बात मैं कर रही हूं और सूर्य का उदाहरण, यही बात श्री कृष्ण ने हमें बताई। श्री कृष्ण ने हमसे यही बताई है गीता में कि हमें अकर्म में उतरना चाहिए। अकर्म का मतलब होता है कि आप अंदर से तो इनएक्टिव हैं, बाहर से आप एक्टिव। लेकिन गीता को समझने के लिए भी रियलाइजेशन चाहिए। मैंने सुना है बहुत लेक्चर लोग देते हैं, गीता पे 500 टीका लिखी, लेकिन अभी तक कृष्ण को कोई नहीं समझा है। गीता बहुत होशियारी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं। वो समझ गए कि इंसान जो है सीधे हाथ नहीं आने वाला, टेढ़ी खीर है ये। इसको अगर सीधे मैं बताऊं तो मानने नहीं वाला। उसकी वजह यह है कि जब उसने अर्जुन से कहा कि तू साक्षी हो जा, पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई बाद में नहीं कहा, पहले ही कहा कि परमात्मा को पाना, उनका ज्ञान प्राप्त करना यही परम है।
पहले ही उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो वो पूछते हैं अब यही है ना, समझी? उन्होंने ये पूछा, इधर तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, और उधर आप कह रहे हैं कि आप युद्ध में जाओ। ये दोनों चीज का मेल कैसे बैठने वाला? युद्ध में जाओ, इधर परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने आंख लिया कि जो अर्जुन सबसे ऊंचे इंसानों में से थे उनकी यह हालत, तो बाकियों की क्या होगी। तो फिर उन्होंने गीता कही। अब इसमें बड़ी भारी डिप्लोमेसी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए, एक बेटा बाहर बैठा हुआ है, गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे में। तो पिता आएंगे बाहर, उनसे कहेंगे बेटे देखो घोड़ा आगे कर लियो, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती। वो कहेगा कि भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। ये कैसे आप कह रहे कि घोड़ा भी आगे करो और गाड़ी भी चलाओ, तो ये कैसे होगा? तो पिता ने समझ लिया कि अभी इनकी खोपड़ी ठीक नहीं हुई, तो कह दिया अच्छा ठीक है, तुम इसी को पीटते रहो, लेकिन चित्त अपना घोड़े पे रखना। आप देखिए कर्मवाद को जो लोग बोलते हैं, बहुत समझने की चीज है, बहुत बारीक चीज है, आप समझ लें। कर्म करते रहो लेकिन फल परमात्मा पे रहो, यह बहुत ही डिप्लोमेटिक बात है। यह एब्सर्ड कंडीशन है। डिप्लोमेसी बेस्ट होती जब आप एब्सर्ड कंडीशन सामने रख दीजिए और आदमी इस चक्कर में आ जाए, हो ही नहीं सकता ये। जब तक आपके अंदर ईगो है तब तक ये हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करते रहो फल परमात्मा पे रखो। हाँ लोग कहेंगे कि हम ये माता जी हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा पे छोड़ते हैं, झूठ बात, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर में ईगो भी बना हुआ है, सुपर ईगो भी बना हुआ है। आप कहें माता जी मैंने किताब पढ़ी पर मेरे पे असर हुआ, हो ही नहीं सकता। हाँ दो चार का नहीं होगा पर एक दो का तो होगा ही, क्योंकि आपके अंदर सुपर ईगो बना है, ईगो बना हुआ। अब एब्सर्ड कंडीशन डाल दी उन्होंने। अब लोग कह रहे हैं हम सारा कर्म करते हैं परमात्मा पे छोड़े, और लोग कहते हैं इतने ही अहंकारी आदमी कि भगवान बेचारा कहे। तो परमात्मा पे छोड़ना तभी घटित होता है, ये घटना है, जब कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद देती है, जब आप पार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं होता। अब पार होने पे लोग कैसी बात करते हैं, आप देखिए वहां जा रहा है आ रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इनका नहीं बन रहा है, कुंडलिनी फंसी हुई है, थर्ड पर्सन में बातचीत शुरू हो गई। कोई ये नहीं कहता मैं कर रहा हूं, मैंने इनकी बीमारी ठीक कर दी, इनके चक्र मैं ठीक कर रहा हूं, कोई नहीं कहता। इनका ये पकड़ा है, चक्र पकड़ा है, ये अब खुल गया, थर्ड पर्सन में बात होती है। आप नोटिस करिएगा, आपका अपना बेटा होएगा अगर पार नहीं होगा तो नहीं है पार, कोई नहीं कहेगा कि ये पार है, अपने यहां तो उल्टे उसूल है। अपना अगर बेटा है तो उसको दुनिया भर का दे दो, और दूसरे का बेटा चाहे मरे, इसमें अगर चाहे तो भी आप अपने बेटे को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वैसी चाहत आने का मतलब ही समझ में आ जाता है ना, कि कुंडलिनी जब नहीं उठती तो आप क्या करें, बेटा होगा तो होगा, अब हम क्या करें। हम अमेरिका गए थे, हमारे साथ एक गए थे वहां गुजराती, उनकी बीवी मुझे कह ले माता जी मेरे लड़के को जरूर पार करा देना। मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हो तुम, पार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो तुम जानती। नहीं पर करा देना माता जी, आपकी इच्छा होगी तो। मैंने कहा मेरे तो कोई इच्छा नहीं, तुम जानती, तो तुम्हें इच्छा करो, तो अगर हो गया तो हो गया। देखो जब वहां पहुंचे तो वो साहबजादे पार नहीं हुए, तो बहुत दुखी हो गई माता जी ये पार नहीं हुए। मैंने कहा बेटे तुम ही सर्टिफिकेट दे दो कि पार हो गए, मैं क्या करूं, तुम तो खुद पार है, कहले झूठा सर्टिफिकेट कैसे दूं। मैंने कहा यही है कि सहयोग में आप झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, चाहे आपका बेटा हो। वैसे लोग अपने बेटे को झूठा देते, सब झूठापना कर सकते, अपने बेटे के लिए मार खजाना भरते रहते, इसमें आप नहीं भर सकते हैं, इसमें बेटा शेटा नहीं चलता, इसमें कोई रिश्ता नहीं चलता है, सिर्फ परमात्मा से रिश्ता चलता है। जिसका परमात्मा से रिश्ता है वही पा सकता है, और बाकी नहीं पा सकते। आपकी भी कोई पूर्व संपदा होनी चाहिए, अगर आपके बेटे की कोई पूर्व संपदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप छोड़ दीजिए उस चीज।